लाख की दारू पी गई 2 साल के अंदर। 5 लाख की दारू पी गई। 5 लाख में सिर्फ पत्ती देख लो 40,000 रुपए। भाई जाके छोड़ोगे करोगे? रात दुने हठाया, तूने ठाया नहीं, तू करेगा? हाथ में ठहरा, वो पूछ रहे हैं छोड़ दोगे करोगे? पेट्रोल, पेट्रोल सुंगा, पेट्रोल भी नशा होता है क्या? सुंगा है पेट्रोल जी, पेट्रोल सुंगा है जी। इधर को आ जाओ आप, तो खंडा नहीं मिल गया यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को बढ़िया रोशनी आ रही। हाँ मतलब क्या, पेट्रोल सुंगा है ये, पेट्रोल, पेट्रोल का नशा भी होता है क्या जी? मोटरसाइकिल चीज चलती है, मैं दिमाग में छत पे चल रही है। तो यहाँ के कब आए, किसने भेजा? मुझे तीसरा महीना लग रहा, अपने घर वालों ने भेज रखा, मुझे यहाँ सही हो जाएगा। तो आगे क्या बोला, नहीं यहाँ से सही होगा, जाते मारो को पहले दम या? नहीं जी छोड़ना है, बस छोड़ना है। शादी तो हुई नहीं होगी? नहीं जी, पढ़ाई क्या करते थे? सुलभा बिकते थे पहले सिगरेट, सुलभा से घर वाले परेशान हो गए। लत किसने लगाई पहले मुझे ये बताओ, लत कैसे लगी? बीए फाइनल किया था। बीए फाइनल, और क्या कर रहे हैं आजकल? यहाँ से आने से पहले क्या कर रहे थे? बस मेडिकल स्टोरी था। अच्छा, वो भी धीरे धीरे डूबने लगा होगा, आप तो नशे उसमें आदत पड़ गई होगी। जी जी, डेली 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 डेली। कौन सी भाई, देसी? नहीं नहीं, अपना इंग्लिश ही। अच्छा अच्छा, तो डेली पे चल रहे थे, हैबिट बन गई। पिताजी ठीक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो नशा मुक्ति केंद्र वालों को कहने के अनुसार समय नहीं दे पाए। 6 से 9 महीने इलाज क्यों है भाई? महीना तो अंदर रहे गेट के, 3 महीने तक अंदर रहे। जब वो पॉजिटिव हो थोड़ा बाहर निकाल लेते, तो छोड़ना तो बाहर का, यहाँ तो मजबूरी है, यहाँ वो चीज मिल नहीं रही उन्हें। जब हमने बाहर निकाल लिया, इतने घर वाले लेके चल दी। मतलब कैसे ट्रीटमेंट करते विकास भाई, जैसे ये बैठे हैं, ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं भाई? का ट्रीटमेंट तो बस मेन तो काउंसलिंग है। अच्छा, काउंसलिंग है, काउंसलिंग है, योगा है, मेडिटेशन है। ठीक है ठीक है। अपना अब जीवन ही बर्बाद कर रहे, खुद ही अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे। अच्छा, क्या क्या किया है आपने नशे के लिए बताइए? मतलब किस हद तक गिर गए तुम नशे के लिए? नशे के लिए तो मैं यहाँ तक की चोरी भी करी छोटी मोटी। अच्छा, एक से खतरनाक होगा? एक से खतरनाक है, जो जेल तक भी काटी है, और नशे में घर के सामान सारे बेच दिए, बर्तन तक बेच दिए। अच्छा, बर्तन तक बेच दिए, बर्तन तक बेच दिए, चोरियां करने लगे, शरीर की खानी, शरीर की, सही बात है, फिर धन की, सही बात है, और समाज में बेच दी, समाज में बेच दी, और घर परिवार पूरा दुखी, दुखी जी, शादी टूट गई। अच्छा, शादी भी टूट गई? शादी टूटी, तलाक हुआ, मुकदमा चला 5-6 साल, और जब से मैंने ये सेंटर संभाला, तब से मेरे सामने कम से कम नशे आईडी जो यहाँ भर्ती हो रही है, 20% की घरवाली छोड़ के चली गई, और हमने ट्रीटमेंट लिया ये नशा मुक्ति केंद्र का। अच्छा, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब हमारे गुरुजनों ने हमें सुधारा, तुम्हारे भी दिमाग में आया कि हम भी किसी को सुधारे, सही बात है, तो फिर हमने सेंटर ही ज्वाइन कर लिया, सुलोचन लगा के, फ्रूट लगा के वो खाते है। इतना बुरा हाल हो गया? इतना बुरा हाल हो गया। अच्छा अच्छा, इंजेक्शन लगाने वाले जख्म हो जाए पूरी पूरी छातियों में, हाथों में, कि इतनी इतनी वे पट्टियां बननी पड़े। अच्छा, दौरे पड़ते हैं इनको, बेहोश हो जा। जी जी, बहुत बहुत डेंजर नशे वाले। अच्छा, तो आपके दिमाग में आइडिया कैसा है कि ये नशा मुक्ति केंद्र? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं जिला मुजफ्फरनगर में, और आज आपको बताएंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं, गांव में, देहात में, शहरों में नशे का प्रचलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब हमारे जो परिवार के माँ बेटी, जो हमारे परिवार के भाई, ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नशे का इलाज क्या है। ठीक है जी, जो लोग नशेड़ी हैं, नशेड़ियों को सही कैसे किया जाए, क्योंकि समस्या धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कुछ लोगों को ये नहीं पता, जब हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा लड़का शराब पीने लगता है या फिर कोई भी नशा करने लगता है और वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसके साथ क्या किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नशा मुक्ति के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आज हम मुजफ्फरनगर में आए हैं, बड़ी मुश्किलों से हमने इनको मनाया है यहाँ के ओनर्स से, और आपकी बात करवाएंगे विकास जी से, ठीक है जी, और जानेंगे नशेड़ियों का इलाज ये कैसे करते हैं। और अगर आपके घर में, आपके परिवार में आपका बेटा, आपका पति, आपका बच्चा कोई भी नशा करता है, तो इनकी गारंटी है ये उसको बिल्कुल सही कर देंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए भाई, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए।
मेरा नाम है विकास चौधरी। अच्छा, आपका भी नाम विकास चौधरी है। चलिए विकास भाई, ये एड्रेस क्या है यहाँ का? ये है जानसट रोड है मुजफ्फरनगर में, विष्णु विहार। अच्छा अच्छा, जानसट रोड है विष्णु विहार। चलिए चलते चलते बातें करते हैं। अब हमें आप ये बताओ, ये नशा मुक्ति, इसको नशा मुक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये नशा मुक्ति केंद्र है हमारा। नशा मुक्ति केंद्र है, केंद्र है। कब से चला रहे हैं सर? ये सन 2008 में, वो 10 में करा था हमने। 2010 में? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आयो। 2010 में किया तो मतलब 12 साल हो गए। 12 साल, ठीक है। चलिए बैठ लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे, थोड़ी बात कर ले आपसे। बैठो। ये देख लो भाई, ये इनका नशा मुक्ति केंद्र है, ये इनका ऑफिस है। अच्छा, हमें आप ये बताए, अब तक कितने युवकों को सही कर चुके हो? यहाँ हर प्रकार के नशे वाले हैं भाई, जैसा इंजेक्शन होगी, स्मैक होगी, भांग होगी, गोली, कैप्सूल, शराब, फलूड, सुलोचन, पेट्रोल, हर पेट्रोल। पेट्रोल? अच्छा, पेट्रोल की मोटरसाइकिल टंकियां खोल के टंकी में सूंघते है। अच्छा, बेहोश होकर वहीं डबड़े वहीं गिर जा। ब्रेड में सुलोचन लगा के, फ्रूट लगा के वो खाते है। इतना बुरा हाल हो गया? इतना बुरा हाल हो गया। अच्छा अच्छा, इंजेक्शन लगाने वाले जख्म हो जाए पूरी पूरी छातियों में, हाथों में, कि इतनी इतनी वे पट्टियां बननी पड़े। अच्छा, दौरे पड़ते हैं इनको, बेहोश हो जा। जी जी, बहुत बहुत डेंजर नशे वाले। अच्छा, तो आपके दिमाग में आइडिया कैसा आया कि ये नशा मुक्ति केंद्र खोल? हम भी एक एडिक्शन रहे पहले। अच्छा, आप भी रहे थे? हम भी रहे। अच्छा, क्या थोड़ा बताया अपने बारे में? हमने शराब पी, शराबी रहे बहुत बड़े। अच्छा अच्छा, और हमने ट्रीटमेंट लिया जी ये नशा मुक्ति केंद्र का। अच्छा, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब हमारे गुरुजनों ने हमें सुधारा, तुम्हारे भी दिमाग में आया कि हम भी किसी को सुधारे। सही बात है। तो फिर हमने सेंटर ही ज्वाइन कर लिया। अच्छा, समाज सुधार के लिए। अच्छा विकास भाई, हमें आप ये बताइए, जैसे कि आप खुद नशा करते थे, तो क्या क्या हानि हुई इस चीज की आपको? नशे के मतलब दुष्प्रभाव क्या क्या है, इसके बारे में? सबसे पहले तो शारीरिक हानि, शरीर की। सही बात है। फिर धन की। सही बात है। और समाज में बेइज्जती। समाज में बेइज्जती। और घर परिवार पूरा दुखी। दुखी जी। शादी टूट गई। अच्छा, शादी भी टूट गई? शादी टूटी, तलाक हुआ, मुकदमा चला 5-6 साल। और जब से मैंने ये सेंटर संभाला, तब से मेरे सामने कम से कम नशे आईडी जो यहाँ भर्ती हो रही है, 20% की घरवाड़ी छोड़ के चली गई। परेशान हो गए, परेशान हो गए, चली गई। सही बात है। आजकल तो नौकरी वाले की शादी नहीं हो रही, नशेड़ियों कौन रहेगी? सही बात। गलती औरत कितनी होती, गलती नशेड़ियों की हो। अच्छा, पीने के बाद में ना बच्ची पे ध्यान देवे, ना बीवी पे ध्यान दे, ना माँ बाप पे ध्यान दे, ना नशा चाहिए, केवल नशा चाहिए बस। अच्छा, तो अभी वो यहाँ इलाज में है। अच्छा, आपके पास अभी कितने पेशेंट होंगे कम से कम? अभी मेरे पास में 40 मरीज है। 40 मरीज? हाँ। अच्छा, एक से एक खतरनाक होगा? एक से खतरनाक है, जो जेल तक भी काटी है, और नशे में घर के सामान सारे बेच दिए, बर्तन तक बेच दिए। अच्छा, बर्तन तक बेच दिए? बर्तन तक बेच दिए, चोरियां करने लगे, मोबाइल चोरी करने लगे, लोगों की जेल काट गए चोरी में। अब लास्ट में घरवालों ने ये एक्शन लिया कि भाई इसे यहाँ से भेजो। तो अब यहाँ हमारे पास में 40 मरीज है फिलहाल, शराब वाले भी है, भांग वाले भी है, गोली, हर तरह के नशे। अच्छा विकास भाई, चलिए कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है नशा मुक्ति केंद्र क्या होता है। जहां तक मेरा मानना है, अगर आपके घर में या किसी के परिवार में कोई नशेड़ी है, तो वो क्या करते हैं? दो काम करते हैं, या तो उसको पीट लो, मार लो, या छेद लो, या घर में बंद कर दो। पीटना मारना कोई इलाज नहीं है, ना हम पीटते। सही बात। ना हमारे यहाँ पिटाई होती। इसका इलाज है केवल योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग। हाँ, काउंसलिंग। जी जी। घर वाले क्या है, घर वाले ये नहीं पूछ पाते उनसे कि ये नशा करता क्यों है। हाँ, मेन कारण क्या है नशा करने का इसका। सही बात। और हम उसकी जांच पड़ताल पूरी करेंगे, नशा करता क्यों है, स्टार्टिंग कहाँ से करी, क्या दिक्कत आई, क्या समस्या आई, तो हम समस्या का हल करें पहले। अच्छा, तो कर क्यों रहा? अच्छा, लड़के तो ऐसे ऐसे भी होंगे जो अपने माँ बाप के अकेले हैं यहाँ। यहाँ तो अभी मेरे पास में 7-8% ऐसे है जो दो दो घर में अकेले है। दो दो घरों में? दो दो घरों में अकेले है। माँ बाप के तो छोड़ो, जो दो दो घर में चाचा ताऊ में भी अकेले है। अच्छा, अकेले हैं? अकेले 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 क्या है, अकेले अकेले पण का फायदा उठावे घर वालों से। हाँ, कि मजबूरी है उनकी, पैसा देना, पैसा देना, भाई अकेला है। सही बात है। तो माँ नहीं तो बाप, बाप नहीं तो माँ या बहन, दोनों दे दे, वो चीज का नशा करे। अच्छा भाई, माँ बाप तो इसलिए पैसा दे कि वो अपना खाने पीने पे ध्यान दे, सेहत बनावे, अच्छा पहरे, लेकिन उस चीज का फायदा उठावे तो केला है। चलिए थोड़ा अपना नशा मुक्ति में भी घूम लेंगे आपके केंद्र में, और बात भी करते रहेंगे। चलिए अंदर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे पेशेंट भी दिखाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख रहे हैं, कैमरे लगे हर जगह।
अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे सभी इसमें। अच्छा तो आपको तो ये जो लड़के हाँ एक से एक आता होगा, जाट का गुज्जर का, धमकी वमकी भी देखते होंगे, धमकी भी देते होंगे, बाहर निकाल के मार देंगे, ये कर देंगे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है, करता कोई नहीं, बाद में समझ में आ जाए, जब तक बंधन में रहे धमकी तो देवे ये सभी, जैसे ये निकाल दे या डर जा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैमरे लगे हुए हैं पूरे, यहाँ रिकॉर्डिंग चलती है सारी। अच्छा देख लो जी, इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है पूरा, हम आपको घुमाएंगे कैसे ट्रीटमेंट होता है, पूरी जानकारी आपको देंगे। 36 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है इसमें, अगर घर वालों को देखना है 36 दिन तक अपने बच्ची की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। 36 दिन की, चलिए अंदर चलते हैं, चलिए हम आपको दिखाएंगे। एसी लगा है, ये एसी ठीक है, पूरी सुविधा है, बंद कर लिए मैं। ये देख लो भाई, ये क्या है सर? ये स्टोर है, खाने वाने का सामान है इनका, सब्जियां वगैरह रखी रहे यहाँ। अच्छा, ये डिब्बे जो चीनी, आटा, अच्छा इन्वर्टर, बैटरी, अच्छा लाइट भाग जाए, सब चीजें है, इन्वर्टर बैटरी भी पूरा ध्यान रखा जाता खाने पीने हर चीज का। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए। और ये तो भाई लैट्रिन है इनकी, अच्छा टॉयलेट है, इंग्लिश भी है। अच्छा अच्छा, चलो भाई बाहर से दिखाते हैं, ज्यादा नहीं दिखाते जी। और ये नहाने का है इधर, यहाँ नहाने का है, ये चार टंकी लगी। अच्छा अच्छा, ये सब नहाओ। अच्छा अच्छा, यहाँ नहाते धोते हैं। हाँ नहाते धोते हैं। अच्छा अच्छा, ये अपना ये किचन है, ये किचन है, ये किचन है, खाना यहाँ बनता है। सही बात है, इधर इनके बर्तन वगैरह रखे, कपड़े रखे, अच्छे कपड़े वगैरह रखे हुए, रूम है। चलिए बहुत बढ़िया जी। और ये अपना हॉल है, ये हॉल है घूमने फिरने का। अच्छा चलिए, लड़के ये स्टाफ भी है, पेशेंट भी है। क्या सर? ये पेशेंट भी है, मरीज भी है, ये स्टाफ है मेरा। अच्छा, ये इलाज ले रहे। अच्छा अच्छा, ये पुराने हो चुके, ये इलाज हो चुके। हाँ पुराने हो चुके। अच्छा, इनका एक बार पूछ लो। हाँ पूछ लो। नाम बताएंगे? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद जी। ये कहाँ से हैं आप? खालापार से। खालापार से, कब से हैं यहाँ पर? ये मुझे ऐसा हो गए तकरीबन हो गए 4 महीने, 5 महीने चल रहा। 5 महीने, क्या दिक्कत थी आपको? मैं गोली का एडिक्ट था। गोली का एडिक्ट है, तो घर वालों ने यहाँ भेज दिया। घर में कौन कौन है? घर में बड़ा भाई है, और पापा है, मम्मी है। अच्छा अच्छा, और 4 बहने हैं। तो ये गोली नाम बता दो, कोई दिक्कत नहीं? गोली क्या खाते थे मतलब? स्पास्मोप्रोक्सीवन, एल्प्रेक्स, अच्छा अच्छा, नेट्रोवाइट। तो ये तो गोलियाँ वैसी मर्ज की हैं, ये नशा भी करती हैं क्या? नशे की होती है? किसने आदत लगाई आपको, किसने सिखाई ये खानी? ये टंकी बंद कर दे भाई 2 मिनट को। एक दोस्त था मेरे साथ, उसने लत लगाई थी। दोस्त था वो? है अभी? जी अब भी है। तो वो अब भी करता है? अपना कारोबार कर रहा है। उसने छोड़ दिया? उसने छोड़ दिया। तो आप क्या है, अभी छोड़ोगे? अभी यहाँ से जाने का अकल आई? अकल आ गई जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे जो नशा करते हैं, जो आपके जैसे दोस्त हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने भाई? अपना अब जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं, खुद ही अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या किया है आपने नशे के लिए, बताइए? मतलब किस हद तक गिर गए तुम नशे के लिए? नशे के लिए तो मैं यहाँ तक कि चोरी भी करी छोटी मोटी, लेकिन फिर भी अब सुधार आ गया। अब सुधार आ गया। चलिए, रूम है ये, केयरिंग रूम है, डिटॉक्स रूम। अच्छा अच्छा, जो नया आया तो इधर रहे। अच्छा, जो नया आएंगे यहाँ रहेंगे 2-4 दिन, 10 दिन, जब तक वो शारीरिक सही नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, तब तक वो उधर नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर उधर हॉल में सामूहिक इलाज है उनका, सबके साथ हो जाएंगे। अच्छा, 2-4, 10 दिन वो इधर ही रहेंगे, जब तक वो शारीरिक सही नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर सबके साथ इधर। ये हॉल है? ये हॉल है साधना कक्ष लिखा, साधना कक्ष। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए? इधर बैठे। ये देखो भाई, कोई बाहर से आया खड़े भी हो जाए करो जी जी। हाँ, ये देख लो, तो यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं आप? हाँ जी हाँ। अच्छा, बैठ जाओ। ठीक, बैठ लो, बैठोगे? नहीं, आप यहाँ मतलब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं विकास भाई? जैसे ये बैठे हैं अब, ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं भाई का ट्रीटमेंट तो बस मैं तो काउंसलिंग है। अच्छा, काउंसलिंग है? काउंसलिंग है, योगा है, मेडिटेशन है। ठीक है ठीक। अच्छा, बाकी तो अपनी। अच्छा, दिनचर्या क्या रहती है सर इनकी? दिनचर्या तो सुबह 6 बजे उठाया जाए इनको। अच्छा अच्छा जी। सबसे पहले उठाने के बाद में इनको चाय दी जाती है। अच्छा अच्छा, चाय के बाद में फिर अपना फ्रेश होंगे, साफ सफाई करेंगे अपना, कोलगेट मंजन, नहाना धोना। जी जी। 7 बजे होता है इनका भजन। अच्छा अच्छा, आधा घंटे भजन होते हैं जी। उसके बाद में होती है योगा। अच्छा, आधा घंटे की। अच्छा, फिर 8 बजे होता है नाश्ता। अच्छा, 8 से 9 जी। 9 से 10 बजे अपने काम काज करेंगे, थोड़ा साफ सफाई। 10 बजे होती है मॉर्निंग मीटिंग। अच्छा, मॉर्निंग मीटिंग का मतलब ये है कि काउंसलिंग होती है उसमें। काउंसलिंग में क्या क्या सिखाते हैं सर, बताएं? काउंसलिंग में नशे के बारे में, इसने क्यों करा, कैसा हुआ, कैसा स्टार्टिंग हुई, उसी बारे में समझाया जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर 11:30 बजे फिर चाय ब्रेक होता है इनका जी। फिर क्लास चलती है, जीएफटी की बुक होती है एक, जो खाली एनजीओ में मिलती है। अच्छा अच्छा,
वो इन्हीं को कहीं बाहर नहीं मिलेगी बुक स्टॉल पे, केवल एनजीओ में होती है। वो एक चैप्टर रोज पढ़ाया जाता है उन्नीस के बारे में है, एक बजे से दो बजे तक इनका खाना। अच्छा ठीक, अगर ज्यादा बड़ा दिन है तो एक आध घंटे का रेस्ट दे देना है, नहीं तो फिर क्लास स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, वही काउंसलिंग। फिर मतलब तीन, सीधी सी बात है, काउंसलिंग और तीन टाइम का खाना है। तीन टाइम का खाना है, चार टाइम चाय है। अच्छा, चार टाइम चाय है, चाय। अब मुझे विकास भाई एक बात बताओ, आपने भी सुना होगा नशा मुक्ति में हमने अपना लड़का भर्ती करवा दिया, वो सही नहीं होता और आगे फिर दोबारा सबसे पहले दारू पीता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? ये है देखो, यहाँ तो शारीरिक सही होते है, वो तो है, जो कोर्स है वो 6 से 9 महीने का। घर वाले क्या कहे बहुत से, हमने नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दिया, वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो नशा मुक्ति केंद्र वालों को कहने के अनुसार समय नहीं दे पाए। 6 से 9 महीने इलाज क्यों है भाई? महीना दो महीना तो अंदर रहे गेट के, 3 महीने तक अंदर है। जब वो पॉजिटिव हो थोड़ा बाहर निकाल ले से, तो छोड़ना तो बाहर का, यहाँ तो मजबूरी है, यहाँ वो चीज मिल नहीं रही उन्हें। जब हमने बाहर निकाल लिया, इतने घर वाले लेके चल दिए। मतलब कहने का मतलब है माइंड सेटअप होने में 8-9 महीने का टाइम लगता है। बिल्कुल 8-9 महीने का लगता है। अच्छा। भाई शारीरिक भीतर सही होंगे, मानसिक बाहर सही जाऊंगे जगह। बाहर उन्हें अपने साथ बाजार भी लेके जा, पेशेंट उठवाने भी लेके जा, मार्केट में घुमावेंगे भी, उस तो देखे बाहर निकल गए उसके दिमाग में क्या चल रहा, वो भागना चाह रहा है, रहना चाह रहा है, नशा उठाना चाह रहा, तो मैं तो बाहर जगह। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो अपने परिवार में अकेला हो, अपने माँ बाप के? अकेले तो बहुत है यहाँ। आप देना चाहेंगे इंटरव्यू? जी हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। ठीक है सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित भाई कहाँ से हैं? सर बोकरेड़ी से। जिला मुजफ्फरनगर। मोरना बप्पा बोकरेड़ी। अच्छा, क्या दिक्कत है? सर मैं ऐसा था कि कॉलेज जाते था और जो पेपर वगैरह होते थे कभी, मतलब जैसे गवर्नमेंट पेपर के लिए एग्जाम देने जाता था दोस्तों के साथ, तो पहले तो कभी कभी थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेता था। अब ऐसा हो गया सब था। थोड़े थोड़े से स्टार्ट होता है, थर्ड डिग्री में आने, थर्ड स्टेज में आने में टाइम लगता है। तो कभी कभी जाना होता था, मतलब घूमने चले गए तो जब ड्रिंक कर लिया। अब ऐसा हो रहा था काफी दिनों से कि मतलब डेली 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 डेली। कौन सी भाई? देसी? नहीं नहीं, अपना इंग्लिश ही। अच्छा अच्छा, तो डेली पे चल रहे थे, हैबिट बन गई। पिताजी हैं फार्मर ही होंगे? हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा हुआ कि अब जब जब से मैं यहाँ आया हूँ, मतलब 21 तारीख को मेरा महीना हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो मुझे घर वालों ने समझाया भी पहले, तो भाई इतना ना करे, मैं खुद भी सोच रहा था कि ऐसा ना करो, लेकिन जब दो चार दोस्त ऐसे सही बात है चौकड़ी। हाँ कि भाई सुमित आ जाओ यार, चलो कुछ करते हैं, मना भी करने के बावजूद भी फिर अंदर से मन ऐसा होने लगा कि चलो चलते हैं। अब जब जाने लगा उनके साथ तो डेली होने लगा, घर वालों ने मना किया कि भाई ऐसा ना कर रोज, अभी तो तेरी पढ़ाई भी बाकी है, गवर्नमेंट की शादी हो गई? नहीं नहीं, अभी नहीं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था। तो फिर घर वालों ने बहुत समझाया मुझे, नहीं समझा कुछ, मैं खुद नहीं समझा, कुछ दोस्तों ने समझाने नहीं दिया। फिर एक दिन इतना हो गया कि मतलब मैं चलने की हालत में भी नहीं था, फिर घर वालों ने यहाँ पे फोन किया कि भाई ऐसे बात है थोड़ा सा। देखो उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने हमारे भविष्य के लिए किया, भाई बच्चा भी कम उम्र है। नहीं तो क्या होता ना, हमारे इलाके में इधर भोकरेडी में या मुझे फरनगर में ऐसा होता है, तो इसको पिटाई कर दो या बांध दो बस, या फिर लास्ट स्टेज होती मार दो इसको। तो मैंने भी थोड़ा सा मतलब पी ज्यादा ली, तो घर पे थोड़ा बहुत झगड़ा कर दिया, कोई चीज ही तोड़ फोड़ कर दी। तो घर वाले थे, घर वालों की भाई देखो उम्र भी हो जाती है, माँ बाप होते हैं उनकी उम्र भी हो जाती है, उन्होंने उनको भी डर रहता है कि भाई जवान बच्चा कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। अब मुझे आप ये बताओ जी, जो हमारे भाई युवा आपको देख रहे हैं, जो नशे की लत जी है, जिन्हें जो बाहर है अभी, ठीक है, उनको क्या कहना चाहूंगा नशे के बारे में? मैं तो ये कहूंगा, देखो जिस माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो जाए, आगे हो जाए, नशे की लत पे ना लगे, जो कि बहुत बुरी बात है, ये तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है नशा है, उनको भी समझाओ जो कर रहे हैं आज के टाइम में, खुद भी बचो दूसरों को भी बचाओ। चलिए बहुत बढ़िया जानकारी दिया आपने, तो आगे चल के अभी क्या यहाँ से छूट के आया था ना कि फिर अपनी मैं खुद उन्हें छोड़ने चाहूंगा, जो मेरे साथ जिनके साथ में रोज बैठ के पीता था। अच्छा, उनको ही छोड़ दूंगा मैं। अच्छा, तो माइंड नहीं पलटेगा कभी, जब पता चला यार छोड़ के फिर हवा लगी पे चला यार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो अब अगर हम मन बना लेना, तो अगर मन बना के यहाँ से निकलेंगे क्या, अब हमें नहीं करना है, अपनी जो अपनी जिम्मेदारी है उनको समझना। तो आप दारू के थे जी? ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। हाँ सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी नाहिद आलम है। नाहिद आलम कहाँ से हैं सर? ये ग्राम गढ़मीरपुर, जिला हरिद्वार। हरिद्वार से आए हो? अच्छा, मतलब किस चीज का नशा करते थे आप, किस चीज का एडिक्ट? स्मैक का जी। स्मैक का? इतना महंगा नशा?
मेडिकल स्टोर है मेरा। अच्छा मेडिकल। उसके बाद में एक दोस्त आते थे उनके साथ में, धीरे धीरे बस लत सी हो गई तो इंजेक्शन भी मैं लगाने लगा था। स्मैक के लिए पैसे कहा, मैंने सुना है भाई स्मैक तो बहुत महंगी होती है। जी महंगी। तो कैसे अरेंज करते थे इतना पैसा स्मैक का? बस मेडिकल जो स्टोर था तो उसमें कमाई अच्छी थी। अच्छा। प्रैक्टिस भी अच्छी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और पढ़ाई कितनी की आपने? पढ़ाई कितनी की है? बीए फाइनल किया था। बीए फाइनल। और क्या कर रहे हैं आजकल? यहाँ से आने से पहले क्या कर रहे थे? बस मेडिकल स्टोर ही था। अच्छा। वो भी धीरे धीरे डूबने लगा होगा, आप तो नशे उसमें आदत पड़ गई होगी। जी जी। ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? दूसरा महीना शुरू हुआ है। अच्छा। तीसरा महीना। अच्छा। जो हमारे युवा हैं तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? आप पे तो गुजर गई, उन पे ना गुजरे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या बताएंगे उनसे? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने अब हमारी जितनी उम्र हो गई, हमने अपनी मर्जी से जी है जी। अब हमारे माँ बाप को हमारे से बहुत लगाव है, बहुत उम्मीदें हैं, तो आगे की जिंदगी हम चाहेंगे कि बस उनकी तरीके से जिए जी, नशा ना करें। ठीक है, धन्यवाद जी। और कोई वो बता रहे थे? मेरा नाम साहिल अब्बास। साहिल अब्बास कहाँ से है भाई? गाँव चितौड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। चितौड़ा जाल। चितौड़ा। हाँ साहिल भैया, क्या करते थे? सुलभा बीतते थे पहले सिगरेट, सुलभा से घर वाले परेशान हो गए। लत किसने लगाई पहले मुझे ये बताओ, लत कैसे लगी? लत जो है यार दोस्तों में, मतलब बैठ उठ के एकदम मार लिया, दो दम थे, ऐसी ऐसी आदत पड़ने लगाई मुझे खुद को। फिर अपने पैसों का लिया, पैसों का करके नशा उठाया, नशे में हालत कुछ ऐसी हुई, कुछ ऐसे काम करने पड़े खुद को। किस हद तक गिरे हो नशे के चक्कर में? नहीं जी, हद तक तो गिरे नहीं, बस जो है घर वालों के जो कहने थे ना, उसके कहने पे मतलब काम नहीं कर पाते थे नशे की हालत में। अच्छा अच्छा। नहीं कुछ ऐसे भी है ना, जब नशे में पैसे नहीं मिलते, चोरी करना, घर का अनाज बेचना, चावल बेचना, ऐसे ऐसे होता है ना जी। हाँ, तो तुम्हारी गलती नहीं, वो नशा करवाता है। नशा करवाता है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के कब आए, किसने भेजा? मुझे तीसरा महीना लग रहा, अपने घर वालों ने भेज रखा मुझे, यहाँ सही हो जाएगा। तो आगे क्या बोला? नहीं यहाँ से सही हो जाते मारे को पहले दम? यहाँ नहीं जी, छोड़ना है सब, छोड़ना है। शादी तो हुई नहीं होगी? नहीं जी। पढ़ाई? पढ़ाई आठवीं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, अपने बिरादरी के लोगों को? कहना चाहता हूँ जिनके साथ बैठा था उनके साथ भी बैठना बंद करूंगा, ये सुलभा इसे भी छोड़ूंगा, जब यहाँ पर एक लगा सकते हैं बाहर भी लगा सकते हैं। ये नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो नशा करते हैं अभी स्टार्ट किया है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अच्छी चीज है, बुरी चीज है? हानिकारक है, इसे छोड़ो, अपना जीवन जियो, नशा मुक्त जीवन जियो, नशे को ना जिंदगी को। हाँ, मेरा तो कहना यही है। कॉमेडी हो रहा पूरा है। ठीक है, बताइए अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम बंटी कुमार है। कहाँ से हैं? मैं घड़ी से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा अच्छा। कौन कौन से नशे कर रहे हैं अब तक? सबसे पहले तो बीड़ी सिगरेट, फिर यही पेट्रोल वगैरह। पेट्रोल? पेट्रोल सुंगा। पेट्रोल भी नशा होता है क्या? सुंगा है पेट्रोल जी। पेट्रोल सुंगा है जी। इधर को आ जाओ, आप तो खंडा नहीं मिल गए, यहाँ को आओ, यहाँ को, यहाँ को, बढ़िया रोशनी आ रही। हाँ मतलब क्या, पेट्रोल सुंगा है? पेट्रोल। पेट्रोल का नशा भी होता है क्या? जी। मोटरसाइकिल चलती है, मैं दिमाग में छत पे चल लिए। अच्छा जी जी। अच्छा, और क्या क्या? बस उसके बाद फिर ये है कि गोली वगैरह पे लग गए। अच्छा, फिर मेडिकल नशे पे। हाँ, बीड़ी फेरी सुलपा उल्पा पीने लगे। अच्छा। गोली वोली पीछे बंद कर दी। और आजकल सुनने में आ रहा है ये सिलोचन का क्या सिस्टम होता है? सिलोचन भी फिर गोली के बाद कैप्सूल वैप्सूल फिर सिलोचन पीने लगे। अच्छा, कुछ ये वो खांसी वाली भी पी लेते हैं? कोरेक्स वगैरह। हाँ, कोरेक्स वगैरह पी तो लेते हैं मैंने, लेकिन एक आधी सीसी पी है, इसमें तो थोड़ा दारू के तरीके की नशा है। अच्छा, मतलब ये ठान लिया था बिल्कुल कोई सा नशा छोड़ना नहीं, नशे खत्म करना है? मैंने एक आधी सीसी पी है सर, मैं बता रहा था। अच्छा अच्छा, कि उसका नशा तो ड्रिंक जैसा ही। पिताजी क्या करते हैं आपके? पुट्टी पेंट का काम करते हैं। पुट्टी पेंट का काम करते हैं। नशे के लिए क्या क्या किया है मैंने? हाँ, नशे के लिए, नशे के पैसे के लिए क्या क्या किया जीवन में? पैसे के लिए क्या? मान लो पैसा नहीं है जेब में, नशा। हाँ, मैं पैसे के लिए ये है कि भाई घर से लिए जी, घर से मांगे हैं पैसे, किससे उधार लिए। अच्छा अच्छा। मैं जब काम नहीं लगा तो फिर भी उनके दिए भी नहीं। ये बात बताओ, अपने घर वालों से पैसे मांगोगे? पिताजी मुझे पैसे दे, नशा करना है, कैसे देगा? कोई भी नहीं देगा नशा करने के लिए। नू क्या उनके आगे देने ले लेगा जी पैसे, तो कोई देने का ही नहीं। अभी कितना टाइम हो गया आपको? बोल बोल के लिए जी घर से, यहाँ पे। यहाँ पे तो मुझे ऐसे ले जी कोई 17-18 दिन। 17-18 दिन हुए, शादी तो नहीं हुई होगी जी? होगी। अच्छा, शादी के बाद में छोड़ा जी अपने का? अब तो ड्रिंक करता हूँ। अब जी दोबारा आया था, पहले 2 महीने ट्रीटमेंट लेके गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे शादी को 6 साल हो गए। तो अभी क्या कहोगे जो तुम्हारे ये? सर ये गलत है नशा, बिल्कुल छोड़ दो इसे, बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। मैं दारू पीने लगा था इसीलिए इंजेक्शन छूट जाए। इंजेक्शन जी दौरा पड़ता है जी, दौरा कैसे मतलब? अब यहाँ इसको नशा नहीं मिल रहा उसकी वजह से? अच्छा, मुझे तो पता नहीं जी, देखो कैसे पड़ता है जी, दौरे वालों को पता तो रहता नहीं, वो तो बाद में पता लगे जब चोट चाट लग जाए कहीं से। हाँ भाई
ये कैसे लगी? अब घर वाले तो का पैसा तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी शादी बिगड़ती। कुछ लोग क्या कहते हैं ना, शादी करके सुधर जाएंगे, बिगार में ये सोच के शादी करके सुधर जाएंगे। यही थी बात, घर को ने कही थी ये बात के भाई सुधर जाएंगे, मैं हाँ सुधर जाऊंगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो एक से खंडा रही है, आप मैनेज कैसे करते हैं? भाई हम भी एक बड़े नशेबाजी रहे। हाँ वो तो आपने बता दिया था, नशेबाजी नशेबाजी समझा सके। अच्छा अच्छा, हम भी यहीं से उठे। अच्छा तो इन पे भाई जागे छोड़ दोगे करोगे? रात दुना हठाया तुमने, ठाया नहीं तू करेगा? हाथ में ठहरा, वो पूछ रहे हैं छोड़ दोगे करोगे? करोगे छोड़ दोगे? ठीक है जी, ठीक है, देख लो। चलिए सर बाहर चलते, बाहर बैठ के बात करते हैं। ये देख लो भाई, हमने आपको दिखाया एक से एक नशेड़ी यहाँ पर था। खोले भाई गेट, अब हम आपकी और बात करवाएंगे। ठीक है भाई, सब्जी वब्जी तैयार करवाए जी। माता जी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम फुली देवी है। फुली देवी कहाँ से है? दाहोड़ से, पतौली। दाहोड़ से। यहाँ आपका पति देव है शायद? दारू पीते थे? कब से? ये तो जी 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए तो अभी आप नशा मुक्ति में क्या क्यों करवाया? नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा, तो रेलवे में। रेलवे में सरकारी? सरकारी, सरकारी नौकर थे। अच्छा अच्छा जी, वहाँ तो ये कम पीते थे। रिटायर हो गए 2 साल से। अच्छा, तो 2 साल के बाद ये ज्यादा पीने लगे। ज्यादा पीने लगे, मार पीट करने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़ाई झगड़ा। सही बात, सही बात। हमने एक महीने से यहाँ पे करवाया। यहाँ के बारे में किसने बताया था आपको? जी मैं, एक औरत है थी, उसने अपना लड़का करा था। अच्छा 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 जी जी जी, हाँ तो उसने बताया था हमें। अच्छा, उसका नाम मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, हाँ, अच्छा तो उन्होंने बताया था। तो वो तो हाँ ठीक बताया। उम्र कितनी है आपके? इनके 65 साल होंगे। कितने? ये हाँ 60 साल। अच्छा, बच्चे भी जवान हो गए होंगे। शादी हो रही है तो बच्चों की भी शादी हो गई? हाँ, अच्छा। एक बच्चा है तुम्हारा। अच्छा, तो मतलब फिर हो गए थे, फिर नशे पे लग गए इन्होंने, सोचा कि मतलब अब तो सब काम हो गया, अब नशे को पकड़ लो। अच्छा, तो मारपीट करते थे? अच्छा, खर्चा भी नहीं देते? अच्छा, 5 लाख की दारू पी गई 2 साल के अंदर। 5 लाख की दारू पी गई? 5 लाख में सिर्फ पत्ती देख लो, 40,000 रुपए। अच्छा, कि यहाँ कितना टाइम हो गया अभी? यहाँ तो एक महीना हो गया जी। एक साल से पहले मत निकलवाना, एक साल से पहले निकलवाना मत, अगर सही करना है तो, क्योंकि इनकी बीमारी बड़ी है। नहीं बड़ी तो है, ठीक है। नहीं कभी हार्ट अटैक कैसे आ जाएंगे? ये क्या है ना, शराबी हो गए, बेवड़ हो गए ना, बनाए हुए मिथ है। अगर मैं दारू नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा बीपी काम नहीं करेगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अजी एक लड़की है हमारी, उसने भी लड़का यहाँ पे एडमिट कर रखा, पता नहीं इसमें है तो जो आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, हमारी माताएं बहनें क्या कहना चाहेंगी? उनके घर वाले पीते हैं, भाई पीते हैं? हाँ जी, मैं तो कह रही हूँ कि उनको भी ऐसी जगह कर दो, मार पीटने से कोई फायदा नहीं है घर में जी। मारने पीटने से भाई हाथ पैर टूट जाए, चोट लग जाए, हम फिर उसके साथ में कवाद करेंगे जी जी। फिर डॉक्टर भी पैसा भी लगेगा और फिर उसके साथ में हमें भी कवाद करनी। चलिए धन्यवाद आपका। अच्छा विकास भाई, हमने आपका पूरा ये नशा मुक्ति केंद्र देख लिया। अब कोई किसी का बच्चा, किसी का बेटा कोई नशा कर रहा है, गरीब परिवार से भी, अमीर परिवार से भी, तो खर्चा क्या होता है महीने का, उसके बारे में थोड़ा बात करें। खर्च हम यहाँ कोई मेडिकल चार्ज नहीं लेते, कोई फर्ज चार्ज नहीं लेते, केवल खाना खर्च लेते हैं। खाने का खर्चा? खाने का खर्च जो उसपे अवेलेबल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा फैमिली वालों को पता है एक बच्चे में कितना खर्च होगा महीने में। सही बात है भाई, चार टाइम चाय भी दूं, नाश्ता भी है, दोनों टाइम खाना भी है, और जो थोड़ी बहुत बीमारी है, खांसी जुकाम मलेरिया की दवाई भी है, बिल्डिंग भी किराए पे है, सब रेंट पे है। हाँ। तो क्या मतलब मंथली लेते हैं, क्वार्टरली या ईयरली रहता है? मंथली लेते हैं वो तो, मंथली थोड़ा फैमिली कंडीशन भी देख रहे, बहुत गरीब भी है, बराबर हो गया। ऐसा नहीं कि मतलब सबके इक्वल रेट है? अच्छा, ज्यादा महंगा तो नहीं है? हम ही चाह रहे हैं सबका बच्चा सही हो जाए। ज्यादा महंगा तो नहीं है? ज्यादा महंगा नहीं है, जेन्युइन जो खर्चा जो डेली घर का आम सब पता जो जानते हैं उतना नॉर्मली लिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं लेते, लेकिन नॉर्मली खाना खर्च लेते हैं। अच्छा अच्छा, गरीब हो अमीर हो, हम चाह रहे हैं सबका परिवार ठीक हो जाए।
अच्छा कुछ हम देख रहे हैं आपके पास जो यहाँ पे सुधरे हुए पेशेंट है उसको आप स्टाफ में रख लेते हैं, ये क्या चक्कर है? स्टाफ में इसलिए रखेंगे थोड़ा वो अपनी इच्छा से रहे, एक दो तीन महीने अपनी इच्छा से देके जा रहे हैं यहाँ समय कि बाहर भीतर निकले थोड़ा अपने आप को मजबूत करने के लिए। अच्छा अपने आप ही यहाँ अभी तो उसने इलाज किया भीतर भीतर रहा, तो वो थोड़ा बाहर निकले देखना चाह रहा बाजार में बाहर निकले हमारे को क्या प्रभाव पड़े, तो अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने इच्छा से वो समय लेके जा दो महीने चार महीने छह महीने वो अपनी इच्छा से लेके जा। अच्छा उसका खर्च जो है सैनिटरी उठाता है, ये बाद में खाने खर्चे पहले घर वालों से नहीं लिया थे, जब वो स्टाफ में आ जाए तो खाने खर्च के पहले सेंटर अपने आप अवेलेबल करता है। अच्छा अच्छा चलिए सर, कपड़ा लगता खाना पीना सेंटर ही उठाता है। अच्छा कोई आपसे संपर्क करना चाहता है एक तो अपना नंबर बता दो और एड्रेस बता दो। एड्रेस मेरा ये मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड है, व्यान मोटर है, व्यान मोटर के बराबर में विष्णु विहार। हाँ तो मोबाइल नंबर है मेरा 99 27 84 68 01 99 27 84 68 01 ठीक है। गाड़ी का किराया इनका कहने का मतलब ये है भाई अगर आप फोन भी कर देंगे तो घर से आपके जो वो युवा है या जो भी शख्स है नशा करके पड़ा हुआ है वो लेके वहां से अपने आप ही ले आएंगे, ठीक है उसका किराया आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलिए सर आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी नशा मुक्ति केंद्र के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।